तो त्योहारी सीजन में अक्सर मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है और ऐसे मिलावटखोरों की चांदी हो जाती है, लेकिन आपको खुद संभलना होगा क्योंकि आप जो मिठाई या मावा खरीद रहे हैं वो किसी जहर से कम नहीं। ऐसा केवल चौमू में ही नहीं बल्कि राजस्थान के कई क्षेत्रों में नकली घी, दूध और मिठाइयों का इस्तेमाल होता है। जी मीडिया ने अलवर में नकली दूध और नकली कलाकंद बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। होली की खुशियों में मिलावट, दूध मावा से लेकर पनीर तक, मिलावटखोरों ने कर ली है घुसपैठ। जी राजस्थान पर नकली दूध कलाकंद बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़। अलवर की पहचान यहां के कलाकंद से है। होली के मौके पर दूध से बनी मिठाइयां और कलाकंद की मांग भी जोरों पर है। प्रशासन की नाक के नीचे इस क्षेत्र में रोजाना हजारों किलो नकली मावा बनकर दिल्ली, गुड़गांव और जयपुर कोटा से लेकर इंदौर और गुजरात तक सप्लाई किया जा रहा है, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इसलिए होली पर मिठाई खरीदने से पहले आप जरा सावधान हो जाइए और सतर्क हो जाइए। जी राजस्थान पर नकली दूध फैक्ट्री का भंडाफोड़। दूध में डिटर्जेंट का इस्तेमाल। मिठाई बनाने के लिए सबसे पहली जरूरत दूध की होती है, क्योंकि दूध से ही खोया, पनीर और मावा तैयार होता है। लेकिन आज आप लाइव देखिए कि कैसे ये मिलावटखोर नकली दूध का सामान तैयार करते हैं। मिलावटखोर दूध में खतरनाक केमिकल मिलाकर आपकी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। नकली दूध बनाने में न केवल खतरनाक केमिकल बल्कि डिटर्जेंट तक का इस्तेमाल होता है, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जी राजस्थान पर नकली दूध फैक्ट्री का भंडाफोड़। नकली दूध किस तरीके से बनता है वो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर इजी सर्फ है उसका इस्तेमाल किया गया है, जो रिफाइंड है उसका इस्तेमाल किया गया है, उसके अलावा जो पाउडर है दूध बनाने वाला उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी पानी के अंदर जो पाउडर मिलाया गया है, उसके बाद जो पहले एक मसाला तैयार किया गया है जो रिफाइंड और इजी सर्फ से बनाया गया है, उसको अब इसको मिलाने के बाद में एक दूध तैयार हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर रोजाना हजारों क्विंटल दूध नकली बनकर तैयार किया जा रहा है। जी मीडिया की पड़ताल। अधिकारी भले ही खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई का दावा कर रहे हैं, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चला रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अलवर के किशनगढ़, बांस, खैरथल, तिजारा और रामगढ़ में नकली दूध और कलाकंद का काला कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। आइए अब आपको दिखाते हैं अलवर में कैसे नकली कलाकंद का काला कारोबार किया जाता है। अलवर के खैरथल इलाके में कुछ दुकानों पर कलाकंद की पड़ताल की तो चौंकाने वाली बात सामने आई। असली कलाकंद का भाव करीब 350 रुपए किलो है, लेकिन यहाँ हमें रेट मिला 150 रुपए और 160 रुपए किलो। जब हमने सैंपल के बारे में पूछा तो दुकानदार सैंपल जांच से ही मुकर गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि नकली कलाकंद में सूजी, रिफाइंड से लेकर जीरो फैट का फिल्टर दूध तक इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी पहचान रहती है, 50 वाला 5 वाला दिखा पहचान तो मैं दोनों भाग आगे नहीं कर पाऊंगी। आप दोनों की पहचान नहीं कर सकते, चाइना क्या है और इंडिया क्या है। जी मीडिया की पड़ताल। हमारी पड़ताल आगे बढ़ी और हम पहुंचे दूसरी दुकान। इस दुकानदार से भी हमने रेलवे में सप्लाई देने के नाम पर दुकानदार से कलाकंद के रेट मांगे। वहां हमें 150 रुपए किलो का भाव बताया गया। साथ ही सैंपल पास होने की बात पर दुकानदार ने साफ साफ कहा, सैंपल तो फेल होगा। हैरानी की बात तो ये है कि दुकानदार ने बकायदा हमें अपना कलाकंद टेस्ट भी कराया। अलवर के दूरदराज क्षेत्रों में नकली मावा बनाने के कारखाने आज भी संचालित, लेकिन अधिकारी आंखें मूंदे बैठे। हाँ, ये जो खाद्य पदार्थ हैं
उनमें जो विभिन्न प्रकार की मिलावट की जा रही है उसकी समय समय पर जांच भी की जा रही है और सैंपल लेके कार्रवाई भी की जा रही है। आप कह रहे हैं कि खैरतल यहाँ है, तो खैरतल वगैरह में भी हमने कई सैंपल लिए, उनमें से जो फैल हुए हैं उनके चालान कोर्ट में पेश कर दिए, नियमानुसार कार्रवाई हो रही है। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई में रोज मिलावटी मावे और घी की खेप पकड़ में आ रही है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में आप भी जुड़िए ताकि आपकी होली की खुशियों का रंग फीका ना पड़ जाए। जुगल किशोर गांधी, जी मीडिया, अलवर।